जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करें हम एमपी बीएड एमएड एडमिशंस के, बीए बीएड बीएससी बीएड एमपीएड बीपीएड एडमिशंस के बारे में। आप सभी को पता है कि इसके अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं फर्स्ट राउंड के, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में क्या करना होता है कि हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है। ठीक है, अगर हम जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं तो हमें 32,000 रुपये फीस सबमिट करनी होती है, लेकिन अगर हम एससी एसटी के होते हैं तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि केवल केवल अभी 5,000 रुपये ही सबमिट करना होता है। स्टूडेंट ने फीस अपनी सबमिट कर दी यानी कि आपने अपनी फीस सबमिट कर दी, और फीस सबमिट करने के बाद में आपको क्या काम करना है। स्टूडेंट एक कमेंट आ रही थी कि सर हमने फीस तो सबमिट कर दी, अब कॉलेज एडमिशन फीस को सबमिट करने के बाद में ऑनलाइन भरने के बाद में अब हमें क्या करना होगा। तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि हमें जो फीस भरनी होती है वो फीस कैसे भरनी है, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फीस कैसे भरनी है आप उस वीडियो को देखकर फीस भर सकती हैं। जब हम अपनी फीस को सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करने के बाद में जो हमें लास्ट में रिसिप्ट मिलती है, फीस सबमिट वाली रिसिप्ट मिलती है, तो इस रिसिप्ट के सबसे नीचे लिखा रहता है, इस रिसिप्ट के सबसे नीचे लिखा रहता है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्या लिखा गया है, वो आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि आवश्यक निर्देश। ठीक है, आवेदकों को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित हेल्प सेंटर पर भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ मूल दस्तावेजों के आधार पर स्कैन दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? नहीं आ रहा होगा आपको। जब आप अपनी फीस सबमिट करते हैं तो फीस सबमिट करने के बाद वो सबसे नीचे रिसिप्ट में लिखा रहता है, एक लाइन लिखी रहती है जिसको मैंने जूम करके यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया कि जब हमने अपनी फीस को जमा कर दिया यानी कि शुल्क जमा करने के उपरांत, अब उपरांत के बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने हेल्प सेंटर पर जाना है। ठीक है, हमें अपने हेल्प सेंटर पर जाना है और वहाँ पर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, हमारे जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं, उन दो डॉक्यूमेंट्स का हमें फिर से पुनः वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का पुनः वेरिफिकेशन करवाना है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप हेल्प सेंटर पर नहीं जा सकते हैं तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के भी अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना, तो कॉलेज वाले ऑटोमेटिकली आपका वेरिफिकेशन कर देगी। यानी कि हमें फीस भरने के बाद में हमें अपने कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने फिजिकली रूप से, यहाँ पर लिखा है भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से वहाँ पर कॉलेज में जाकर के हमें मूल दस्तावेजों का, हमारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होनी चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल पुनः रिवेरिफिकेशन हमें करवाना है। बात समझ में आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।